आज हम डिस्कस करते हैं एगोनिस्ट हो जाता है उसको ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर हिरणमयी झा और मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ एंड आई डील विद ब्रेस्ट सर्जरीज। और आज हम डिस्कस करते हैं क्या एक्सेस ब्रेस्ट स्किन और एक्सेस टिश्यू जो हो जाता है या फिर सैगिनेस हो जाता है उसको ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं। ब्रेस्ट जो वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्रेस्ट में एक्सेस स्किन आ जाती है उसको ट्रीट करने के डिफरेंट तरीके हैं एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट इट हैज़ टू बी डेल्ट विद। तो पहले बात करते हैं कि अगर एक्सेस जो है स्किन एक्सेस अगर माइल्ड हो, ज़्यादा नहीं हो, तो इन केसेस में देखा गया है कि कई बार वॉल्यूम ऑगमेंटेशन से या फिर वॉल्यूम देने से वो जो स्किन एक्सेस है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। और इसको या तो हम इम्प्लांट के माध्यम से कर सकते हैं या फिर फैट इंजेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग इज़ जिनमें कि स्किन एक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो, उन केसेस में जिनमें स्किन एक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो और कई बार जो निपल एंड एरियोला की जो लेवल होती है वो भी काफ़ी नीचे आ जाती है, सैगिनेस हो जाता है, तो उन केसेस में हम ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी करते हैं, उसे मैस्टोपेक्सी भी कहते हैं। ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी को कई बार हम वॉल्यूम सप्लीमेंटेशन के साथ भी कंबाइन करते हैं टू गिव बेटर एंड फुलर लुक। तो इम्प्लांट के साथ आप मैस्टोपेक्सीज करा सकते हैं या फैट इंजेक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम सप्लीमेंटेशन नहीं दे सकता है, उसमें जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, तो फैट के साथ भी आप मैस्टोपेक्सीज को कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें बाकी जो टेक्निक्स कुछ नॉन सर्जिकल भी हैं जैसे कि थ्रेड्स वगैरह हैं, उससे बहुत ही कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर उससे इफ़ेक्ट आता है सैगिनेस को ट्रीट करने में। तो थ्रेड जो है ब्रेस्ट लिफ्ट और ब्रेस्ट टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। तो मोस्टली अगर आपकी ब्रेस्ट में एक्सेसिव स्किन है या फिर सैगिनेस है या वॉल्यूम में कमी है तो आपको अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलकर डिस्कस करना चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, क्या आपको वॉल्यूम इंक्रीज़ की नीड है या फिर सिर्फ जो उसकी एक्सेसिव स्किन है या फिर जो उसकी लेवल है उसको ही शिफ्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली अपनी सर्जरी को प्लान कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये कुछ समझ में आया होगा कि अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो हाउ टू डील इट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग इट, प्लीज़ राइट टू अस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो और कॉल अस ऑन आर नंबर मेंशन्ड हियर। थैंक यू।